दीपों के पर्व दीपावली की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इस बार धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर को पड़ रहा है। धनतेरस का काफी महत्व होता है। वैसे तो अधिकांश लोग इसे खरीदारी का पर्व ही मानते हैं। माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से भी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी और धन्वंतरी की पूजा होती है। इस दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें अगर धनतेरस के दिन कर लिया जाए तो हमेशा घर धन धान्य से भरा रहता है और जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। कहते हैं कि तभी से धनतेरस मनाया जाने लगा। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन की देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा की जाती है। पहला उपाय, पंचदेव की पूजा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी पूजने से निरोगी काया प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी और कुबेर से अकूत संपदा मिलेगी। यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा और साथ ही गणेश पूजा करने से सद्बुद्धि प्राप्त होगी। दूसरा उपाय, पशु पूजा। धनतेरस के दिन पशुओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। दरअसल ग्रामीणों में पशुधन का बहुत ही महत्व होता है, इसीलिए धनतेरस पर पशुओं की पूजा की जाती है। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती है। तीसरा उपाय, खरीदे धनिया। वैसे तो धनतेरस के दिन सोना या चांदी के आभूषण या पीतल की वस्तु खरीदने का प्रचलन है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप धनिया खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन किसान धनिया का बीज खरीदते हैं। धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का हानि नहीं होती है। चौथा उपाय, दीपदान। धनतेरस के दिन यमराज के नाम के दिए का दीपदान किया जाता है। जिस घर में यम के नाम का दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर एक और घर के अंदर भी 13 दीपक जलाने चाहिए, लेकिन यम के नाम का दीपक घर और परिवार के सभी सदस्यों के खाने पीने के बाद जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। पांचवा उपाय, धनतेरस पर जरूर करें दान। धनतेरस के दिन यदि आप सूर्यास्त से पहले दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होती है। ध्यान रहे कि आपको सफेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना है। इससे कार्य में आ रही बाधाएं दूर होंगी। यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या कोई गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता मिलती है।